यहाँ पे बी को, बी है कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू मतलब अगर बी कॉस इनवर्स एक्स है, तो कॉस इनवर्स को मान लेके जाओ, तो कॉस बी की वैल्यू एक्स मुझे गिवन है, यानी मुझे एक्स इक्वल टू कॉस बी निकालना है। ठीक है, मुझे पता क्या है, मुझे पता है कि टैन बी है मेरा, अरे यार टैन बी है मेरा 1/2, तो टैन से मुझे कॉस निकालना है, तो फिर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। अब टैन बी इक्वल टू 1/2 के लिए मैं यहाँ पे 1/2 पता है ना, ये 1/3 है, 1/3 है सॉरी। टैन बी इक्वल टू 1/3 के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास दो तरीके हैं करने के। एक तो मैं ट्राइंगल बना लूँ, तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊँगा कुछ ऐसे, तो यहाँ पे मैं एंगल बी अज्यूम करता हूँ, यहाँ पे मैं ए और यहाँ पे सी अज्यूम कर लेता हूँ, ये 90 डिग्री, ये मेरा एंगल बी। तो अगर ऐसे अज्यूम करता हूँ तो टैन बी होगा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो टैन बी होगा ऑपोजिट होगा ए सी, एडजेसेंट होगा बी सी, और ये मेरी वैल्यू मुझे 1/3 गिवन है। तो ए सी को मैं 1 मान लेता हूँ, यानी इसको 1 मान लेता हूँ, बी सी को मैं मान लेता हूँ 3। ठीक है, अगर हाइपोटेन्यूस निकालूँ तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा, ए बी का स्क्वायर होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 10, और इसका रूट, तो यानी ये होगा √10। ठीक है, अब मुझे कॉस बी निकालना है, तो कॉस बी होता है एडजेसेंट, तो कॉस बी का एडजेसेंट होगा बी सी, तो बी सी और बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस है ए बी, बी सी की वैल्यू 3 थी, ए बी की वैल्यू √10 थी, तो ये आएगा 3/√10, यानी बी करेक्ट है। ये ट्राइंगल वाला मेथड है। एक और मेथड है कि हम यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा मैं यूज़ करता हूँ, ये वाली इक्वेशन 1 + tan² = sec², sec को कन्वर्ट करता हूँ कॉस में और फिर सॉल्व करता हूँ इसको। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करें, वैल्यू पुट करी मैंने, इसको सॉल्व करते हैं, तो कॉस भी आता है मेरा 3/√10। एक्चुअली प्लस माइनस भी आना चाहिए, पर मैंने क्योंकि ऑप्शन में प्लस माइनस नहीं था, तो मैंने सिर्फ प्लस अज्यूम करा। कॉस बी की वैल्यू √10, यानी एक्स की वैल्यू मेरी 3/√10 आ गई है।